लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था अपने कंस्ट्रक्टर का, राइट। और कंस्ट्रक्टर के केस में मैंने आप लोगों को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता दिया था, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बता दिया था, और आई थिंक आज के सेशन में हमें यहाँ पे जो स्टार्ट करना है वो है अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट, राइट। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम जावा की बात करें तो जावा में ऐसा बोला जाता है कि देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, है ना। बट ये जो स्टेटमेंट है ये सिंपली ये नोटिफाई करता है, ये शो करता है कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा के अंदर नहीं है, है ना। अदरवाइज जो नॉर्मल आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है, जो आप कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज करते हो, उससे आप सिंपली एक ऑब्जेक्ट के डेटा को आप दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसी में एक कंसेप्ट ये भी आता है आपके पास में, डीप कॉपी और शेलो कॉपी, है ना। सिमिलरली इसी के साथ में एक और कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है क्लोनिंग का, जिसमें डीप क्लोनिंग और शेलो क्लोनिंग वाला कंसेप्ट आता है। तो ये डीप क्लोनिंग, शेलो क्लोनिंग प्लस डीप कॉपी और शेलो कॉपी, ये क्या होता है ये अपन आने वाले सेशंस में देखेंगे। अभी मैं सिंपली आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में ये सिंपली बता रहा हूँ कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं, राइट। तो चलते हैं अपने यहाँ पे, और इसी के साथ में मैंने लास्ट सेशन में आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग का भी कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे क्या कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कंसेप्ट आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या देखना है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें यहाँ पर फ्रेम कर देखना है अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो मैं यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर लेता हूँ बाय द नेम demo9.java, ठीक है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग डाल देता हूँ, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है क्लास। अब जैसा कि अगर अपन बात करें, आपको पता है कि यूजर से वैल्यू कैसे क्या गेट करना है, यूजर से वैल्यू कैसे गेट करना है ये आपको पता है, ठीक है। अपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट यूजर से इंप्लीमेंट करवा कर देखा था, है ना, यूजर से वैल्यू गेट करके अपन ने देखा था। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट बताना है, तो मैं यूजर से वैल्यू गेट करूँ या डायरेक्टली वैल्यू सेट कर दूँ, डायरेक्ट वैल्यू सेट कर दूँ, ठीक है, या फिर यूजर से गेट करना, तो वैसा भी देख लेते हैं अपन, ना, तो ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मैंने क्या लिख दिया, जावा डॉट, अपन क्या लिख लेंगे, यूटिल डॉट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्कैनर, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, क्लास, क्लास में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो क्लास में मैंने लिखा है demo9, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, स्ट्रिंग args, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले यूजर से वैल्यू गेट करना है। तो यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए आपको मेथड को कॉल करने की रिक्वायरमेंट होगी, मेथड को आपको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और ऑब्जेक्ट के लिए आपको उसको बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए आपको उसकी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लास के केस में तो आपने जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर नाम की क्लास को इम्पोर्ट कर ही लिया है, तो अब आप यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बना लो, उससे मेथड को कॉल करके यूजर से वैल्यू गेट कर लो। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है स्कैनर sc=new स्कैनर, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, system.in, फिर तो उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे system.out. क्या जाएगा यहाँ पे, println, और println में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, तो आप सिंपली लिखोगे एंटर, एंटर में आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, नेम। नेम के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपली क्या, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मैंने लिखा है नेम। ये कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको पूरा फुल नेम गेट करना है यूजर से विद स्पेस सेपरेटेड, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो उसमें आप क्या लिखते हो, sc.nextline। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इंटीजर वैल्यू पहले गेट कर लेते हो और बाद में यूजर से ये फुल नेम अगर गेट करते हो, तो उस केस में फिर क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, sc.nextline पहले लिखना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा आप एक काम ऐसा भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि अब जैसे यहाँ पर मैं ये बताता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे system.out.println, और println में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर रोल नंबर। अब यहाँ पर आ गए, आपने लिखा int roll number equals to sc.next int, ठीक है। और इसी के साथ में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आपने कॉपी किया, आपने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट किया, आपने लिख दिया एंटर, और एंटर में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, एड्रेस लिख दिया, राइट, है ना, मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया है एड्रेस, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर इसको चला कर देखते हैं, तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट पर आने के बाद में मैंने लिखा है जावा सी demo9.java, मैंने यहाँ पर आ गया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। मैं इसे यहाँ पे क्या करूँगा, रन करूँगा, एंटर रोल नंबर, मैंने 121 लिखा, मैंने जैसे ही एंटर किया तो देखो क्या हो गया, उसने यहाँ पे एंटर रोल नंबर, एंटर नेम को क्या कर दिया यहाँ पर, स्किप कर दिया। तो फिर आप उस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अगर इन केस में ऐसा लिखता क्या कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट ही लिखता, तो फिर उस केस में क्या होगा,
मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करके मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसे रन करने की कोशिश करी, एंटर रोल नंबर मैंने एंटर किया, तो देखो यहाँ पर वो मुझसे क्या पूछ रहा है, एंटर नेम। ठीक है, अभी एंटर नेम पूछ रहा है, तो एंटर नेम में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एंड्रयू। अब देखो उसने क्या कर दिया यहाँ पर, एंटर एड्रेस को स्किप कर दिया, क्योंकि अगर सिंगल वर्ड लेना है तो वो आपके एंटर से टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको स्पेस सेपरेटेड अगर पूरी स्ट्रिंग लेना है तो वो एंटर से टर्मिनेट होगी। क्लियर है? तो फिर आप उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपको एक काम अगर ऐसा करना है कि अगर आपको ये नेक्स्ट लाइन लिखना ही है ना, यहाँ पे नाम लेना ही है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर आप सिंपली लिख लोगे sc.nextLine, एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट लाइन लिखकर आप यहाँ पे छोड़ दोगे। उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ आकर आपने क्या करा, इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा, आपने रन किया, रोल नंबर एंटर किया, आपने यहाँ पर नेम एंटर किया, और यहाँ पर अब आप क्या आएगा, एंटर एड्रेस आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, इंदौर। अब यहाँ से बाहर आ गए, क्लियर है? अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया, अब करना क्या है, तो अब करना अपने को सिंपल सा ये है कि अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मुझे यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखना है, सॉरी कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखना है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में अपन अब क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली आकर एक क्लास क्रिएट करी पर्सन नाम से। अब पर्सन नाम की क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो इंट, इंट में मैंने यहाँ पर लिख लिया है रोल नंबर, यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने लिख लिया है यहाँ पर नेम और एड्रेस, कोई दिक्कत? अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर पर्सन नाम की क्लास के अंदर क्या बनाया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्या बनाया है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास में आएगा इंट रोल नंबर, फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या जाएगा नेम, और फिर स्ट्रिंग में क्या जाएगा एड्रेस। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो आपको ये वैल्यूज को सेट करना है, तो आप क्या करोगे, this dot rno equals to rno, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, this dot name equals to name, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, this dot address equals to address, ये आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इसके लिए आपको करना भी क्या पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पर आकर आपको पर्सन नाम की क्लास का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर अब आप क्या पास करोगे, तो आप पास करोगे इंटीजर, सॉरी आप यहाँ पे पास करोगे रोल नंबर, यहाँ पे पास करोगे आप नेम, और यहाँ पे पास करोगे क्या एड्रेस, कोई दिक्कत? ये तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब रोल नंबर नेम एड्रेस मैंने पास कर दिया, यहाँ पर ये कंटेंट क्या चले जाएगा, ऊपर से जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और आपके यहाँ पर ये इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर डेटा सेट हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें, अब ये सेट तो हो गया, अब करना क्या है, है ना, अब ये सेट तो हो गया है, अब अगर अपन बात करें कि अब अपने को यहाँ पर करना क्या है, तो अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपने को कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करना था। तो मैं करूँगा कैसे, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, तो दो तरीके हैं यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के, कौन कौन से? तो सबसे पहला तरीका क्या, कि मैंने यहाँ पर लिखा पर्सन, पर्सन में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है ओबीजे वन, इसको कर देते ओबीजे वन, इसको कर देते ओबीजे टू। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा है न्यू, न्यू में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या पर्सन, और अब मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया ओबीजे वन, मैंने क्या पास कर दिया ओबीजे वन। और यहाँ पर अपन एक काम ये भी करते हैं, अपन ओबीजे वन से एक डिस्प्ले नाम की मेथड को भी क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। अभी जो डिस्प्ले नाम की मेथड को मैंने कॉल किया है, तो ये डिस्प्ले नाम की मेथड भी मेरे को बनाना पड़ेगी। ये डिस्प्ले नाम की मेथड मैं कहाँ बना लूंगा, मैं यहाँ पर पर्सन नाम की क्लास के अंदर बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है void display, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो here I'm going to write system dot out dot print ln and inside print ln I'm going to write roll number, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है क्या रोल नंबर। फिर यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, system dot out dot print ln and inside print ln I'm going to write here name, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में नेम। और फिर फाइनली आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, system dot out dot प्रिंट एल एन, यहाँ पर क्या जाएगा रोल नंबर नेम और एड्रेस, यहाँ पर आपका मैंने क्या लिखा है एड्रेस। क्लियर है यहाँ तक? ये तो अपन ऐसा कुछ कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो ये रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में एड्रेस आ गया। तब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ओबीजे वन से तो आपने डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल करवा दिया, अब तो अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है, अब आपने यहाँ पे लिखा है ओबीजे टू इक्वल्स टू न्यू पर्सन ओबीजे वन,
मतलब जैसा कि अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा है न्यू पर्सन रोल नंबर नेम एड्रेस, तो इससे क्या हो रहा था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉल तो क्या होगा, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाएगा कि इसके पहले आप प्रिमिटिव डेटा टाइप वाली वैल्यूज भेज रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप रेफरेंस टाइप की वैल्यू भेजोगे, दैट इज आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करोगे। तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास किया, अब सिंपल सी बात है, मेरे को ऊपर फिर से क्या बनाना पड़ेगा, एक और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसा होगा जो कि क्या होल्ड करेगा, ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सन। अब पर्सन के बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो पर्सन क्या ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, यहाँ पर ये जो आप ओबीजे वन को पास कर रहे हो, ये ओबीजे वन किस टाइप का है, तो ये ओबीजे वन आपका पर्सन टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली इसके अंदर क्या लिख दिया है, ऐसा लिख दिया। अब जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर ओबीजे वन ही सेम नाम ही लिखना है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो आपने यहाँ पे ऐसा पूरा ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो मैं है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप बोल दो कि नहीं ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है, भैया आपने ऐसा पर्सन लिख दिया, क्लियर है। अब फिर अगर मैं बात करें अब क्या होगा, अब याद रखना ये डिफरेंस है ना, ये कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी है, दोनों एक जैसा मत लिख देना, दोनों पर्सन पर्सन, ठीक है। अपन यहाँ तक आ गए, अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अब आप एक चीज ये देखो कि आप यहाँ पर आए कैसे, यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आप आओगे कैसे, है ना। तो किसकी वजह से आएंगे अपन यहाँ पर, न्यू पर्सन की वजह से, मतलब यहाँ पे जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी वजह से। तो अब अगर इस नए ऑब्जेक्ट की वजह से अगर आप यहाँ पर आओगे, नए ऑब्जेक्ट की वजह से अगर आप यहाँ पर आओगे, तो इसके अंदर लिखा हुआ रोल नंबर, इसके अंदर लिखा हुआ नेम और इसके अंदर लिखा हुआ एड्रेस किसका कंसिडर होगा, उस ऑब्जेक्ट का कंसिडर होगा जिसकी वजह से आप यहाँ पर आए हो। तो मैं यहाँ पर किसकी वजह से आया हूँ, उस ओबीजे नहीं, ओबीजे टू की वजह से ना, न्यू ओबीजे, इससे जो ऑब्जेक्ट बना है वो ओबीजे टू है, तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से आप वहां पर आए हो। तो यहाँ पर ये जो रोल नंबर नेम और एड्रेस कंसिडर होंगे वो किसके कंसिडर होंगे, ओबीजे टू के कंसिडर होंगे। और उसके अंदर अब आपको रखना क्या है, तो आपने इसमें पास किया क्या है, ओबीजे वन को पास किया है, ओबीजे वन को होल्ड किसने किया है, इस पर्सन ने होल्ड किया है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पर्सन डॉट, यहाँ पर कितना आ जाएगा रोल नंबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा पर्सन डॉट नेम, यहाँ पर कितना आ जाएगा पर्सन डॉट एड्रेस, क्लियर है यहाँ तक। ये आपने ऐसा सेट कर दिया, और अब इसके बाद में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आके लिखोगे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे आफ्टर कॉपिंग, और यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, आप लिखोगे ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले, ये नहीं आता, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब चलाकर देख लेते हैं अपने इसको कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन किया, मैंने रोल नंबर लिखा यहाँ पर, नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या एंड्रयू एंडरसन, एड्रेस मध्य प्रदेश। देखो आपको क्या मिला है यहाँ पे, आपको मिला है रोल नंबर नेम और एड्रेस ही मिला, उसके बाद में फिर आपको क्या लिखा हुआ मिला है यहाँ पर आफ्टर कॉपिंग, आफ्टर कॉपिंग आपको वापस से क्या मिला, यही डेटा आपको प्रिंट होते हुए देखने को मिला, क्लियर है यहाँ तक। तो आपने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट करी है, और उसको आपने क्या करा है यहाँ पर फिर पास कर दिया वापस से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के टर्म्स में, और ऊपर जाके वापस से जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके डेटा मेंबर्स में आपने उसको जाके सेट कर दिया, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली इसी का अगर दूसरा तरीका अगर अपन देखें कि अपन और किस तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो इसका अगर दूसरा तरीका अगर आपको देखना है तो ध्यान से देखना, मैं इसको सेव एज करता हूँ, यहाँ पर 9 मैंने यहाँ पे करा है क्या 10, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, मैंने लिखा कंट्रोल एच डेमो 9 को रिप्लेस करेंगे अपन किससे, डेमो 10 से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर तो मैंने क्या करा है, अभी मैंने यहाँ पर ऊपर जाके वैल्यूज को सेट किया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो अब मैंने यहाँ पर आकर, अब ये तो डेटा मैंने सेट करवा दिया, अब मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने ये सारी चीजें यहाँ से हटा दी, ठीक है। मैंने अगर यहाँ से ये हटा दिया है, तो अब एक चीज ये देखो कि यहाँ पर क्या है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, आपने ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, तो अब इसका डेफिनेशन पार्ट बनाना मैंडेटरी हो जाएगा, तो अब डिफॉल्ट
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन पार्ट बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, आपने यहाँ पर इसको ऐसे ही इन्वोक करवा लिया। आपको कुछ मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप मैसेज प्रिंट करवाओ, नहीं करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ऐसा लिखना जरूर पड़ेगा। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा लिखा है क्या कि यहाँ पर लिखेंगे अपन ओबीजे टू का, है ना, जो रोल नंबर होगा उसमें क्या आएगा, उसमें ओबीजे वन का रोल नंबर आएगा। ओबीजे टू का जो नेम होगा उसमें क्या आएगा, ओबीजे वन का नेम आएगा। ओबीजे टू का जो एड्रेस होगा उसमें ओबीजे वन का क्या होगा, एड्रेस होगा। ओबीजे वन का रोल नंबर ओबीजे टू के रोल नंबर में, ओबीजे वन के नेम को ओबीजे टू के नेम में रखेंगे और ओबीजे वन के एड्रेस को ओबीजे टू के एड्रेस में आप रखोगे, और आफ्टर कॉपिंग आप क्या करोगे, वही ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले आप कर दो। आप ऊपर लेकर नहीं गए, आपने वही की वही क्या कर दिया है, जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था, है ना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में, तो आपने उस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या करा है, जो नया ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के रिस्पेक्ट में आपने क्रिएट किया है उसके अंदर रोल नंबर नेम और एड्रेस के अंदर आपने वैल्यूज को क्या कर दिया है, सेट कर दिया। आप इसको सेव करें, सेव करके आप इसको एक बार चला कर देखें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपन आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, एड्रेस मैंने लिख दिया पे BHOKL भोपाल। देखो आपको क्या मिला, रोल नंबर नेम पर एड्रेस आफ्टर कॉपिंग रोल नंबर नेम और दे रहे हैं यहाँ तक। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, क्या तक समझ में आया? तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था, है ना, जिसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स की जो वैल्यू है उसको आप कैसे असाइन कर सकते हो दूसरे क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, बाकी इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि एक कंसेप्ट होता है आपका डीप कॉपी और शैलो कॉपी, है ना, उसी के साथ में एक और आता है डीप क्लोनिंग और शैलो क्लोनिंग। ये क्या होता है तो ये अपन आने वाले सेशंस में देखेंगे, है ना, जब मैं क्लोनिंग का बताऊंगा तब दोनों को कंपेयर करके मैं वहां पर आपको चलाकर बताऊंगा। क्लियर है यहां तक सभी को? अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट हुआ आपके कंस्ट्रक्टर का, जो कि आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट अभी कर देखा। इसमें मैंने आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता दिया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बता दिया, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बता दिया, मैंने यहाँ पर आपको वो जो 10 कीवर्ड के जो कंसेप्ट थे जो बचे हुए, है ना, जो हमने प्रीवियस सेशन में कवर अप करे थे, और मैंने बोला था बचे हुए दो कंसेप्ट आपके कंस्ट्रक्टर में कवर अप होंगे, तो वो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करवा दिए थे, है ना। जैसे आपने पढ़ा था ना 10 कीवर्ड, दिस इज सिंपली यूज्ड टू रिप्रेजेंट करंट क्लास डेटा मेंबर, दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट करंट क्लास मेंबर फंक्शन, दिस कैन ऑल्सो बी पास एज अ आर्गुमेंट इन द फंक्शन कॉल, दिस कैन ऑल्सो रिटर्न द करंट क्लास ऑब्जेक्ट, दिस इज यूज्ड टू इनवोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, है ना, और this can also be passed as a parameter in constructor call। ये छह कंसेप्ट अपने this के देख लिए थे, और इन्हीं के साथ में मैंने यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर के केस में डिफॉल्ट पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट बताया। डीप कॉपी शैलो कॉपी आने वाले सेशंस में अपन देखेंगे, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो अपन चलते इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका किसका, फाइनल कीवर्ड का, और फाइनल कीवर्ड के बाद में फिर अपन डिस्कस करेंगे स्टैटिक कीवर्ड, राइट। अब अगर अपन बात करें ये फाइनल कीवर्ड होता क्या है बेसिकली, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर एक नया फोल्डर ही क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन आए और मैंने यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट किया है फाइनल एंड स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब ध्यान से देखना, अगर अपन बात करें फाइनल कीवर्ड होता क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है फाइनल, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पर ये फाइनल कीवर्ड की बात करें कि फाइनल कीवर्ड क्या होता है और कहाँ क्या कैसे आप यूज करेंगे, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, इस फाइनल कीवर्ड को आप वेरिएबल के साथ में यूज कर सकते हो, इस फाइनल कीवर्ड को आप मेथड के साथ में यूज कर सकते हो, इस फाइनल कीवर्ड को आप क्लास के साथ में यूज कर सकते हो। क्लियर है?
अब अगर मन बात करें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस फाइनल कीवर्ड को है ना वेरिएबल के साथ में यूज करता हूँ है ना, तो अब उसके हिसाब क्या बोलोगे कि हियर फाइनल कीवर्ड है ना, या ऐसा बोलोगे कि इफ वी पुट फाइनल कीवर्ड है ना इन फ्रंट ऑफ एनी वेरिएबल है ना, देन दैट वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टेंट। मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, इफ वी पुट फाइनल कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ एनी वेरिएबल, अगर आप किसी भी वेरिएबल के आगे है ना क्या लगा दोगे फाइनल कीवर्ड लगा दोगे, देन दैट वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टेंट। वो कैसा कंसिडर होगा आपका, कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा, और आप फिर उसके बाद में आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? तो उसके अलावा अगर मैं बात करें और क्या, तो उसके अलावा मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैथड, इफ वी मेक एनी मैथड एज अ फाइनल, देन इन दैट केस If we make any method as a final, है ना, अगर आप किसी भी method को क्या बना देते हो, as a final बना देते हो, then in that case we cannot override that method. If we make any method as a final, अगर आपने किसी भी method को क्या बना दिया है, final बना दिया है, then in that case we cannot override that method. आप उस method को override नहीं कर सकते। Overload तो हो सकती है, override नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ पर? वहीं अगर अपन बात करें क्लास के केस में, तो इफ वी मेक एनी मेथड है ना, इफ वी मेक एनी क्लास एज अ फाइनल, देन इन दैट केस वी कैन नॉट एक्सटेंड दैट क्लास। If we make any class as a final, अगर आपने किसी भी क्लास को क्या बना दिया है, as a final बना दिया है, then in that case we cannot extend that class. आप उस क्लास को extend नहीं कर सकते। नहीं, आप inheritance में भी तो करते हो। Child class parent class को inherit करती है, तो जहाँ पर भी एक क्लास दूसरे क्लास को inherit करेगी, अगर आपने उसको final बना दिया है, तो फिर उसके लिए वो inherit नहीं करेगी। प्रेस में अगर अपन बात करें नोट, अब जैसे आपको पता है ना कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो CONSTRUCT कंस्ट्रक्टर डज नॉट इनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट इनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे आपने देखा ना कि आपने खुद की क्लास बनाई है, खुद की क्लास बनाने के बाद में न्यू और क्लास का नाम और पैरेंथेसिस लगाते हो, तो उससे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो इन्वोक होगा वो आपके फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट इनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल। क्लियर है आपको, समझ में आया? ठीक है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, फिर देखते हैं है ना इसका कंसेप्ट कैसे क्या यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंट होगा है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है थ्योरी? थ्योरी में किसी को भी डाउट है क्या? एग्जांपल्स देखिए, ठीक है, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है अपन आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा फाइनल वन डॉट जावा, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनल कीवर्ड, आपका मैंने क्या लिखा है फाइनल वन, यहाँ पर आया अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एआर जीएस, यहाँ तक अपन आ गए। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंड एआरआर इक्वल्स टू ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं ना, दिक्कत क्या है, लिख सकते हो आप ऐसा, आपने int arr लिखा, new लिखा, int लिखा और 1 2 3 4 5 आपने यहीं पर इनिशियलाइज कर दिया,
लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो फॉरिश लूप लगाना सभी को आता है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दिया है एरे एलिमेंट्स आर, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया है फॉरिश लूप लगाया है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया एंड एलिमेंट, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है ए आर आर। आप क्या लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा दोगे क्या एलिमेंट, ऐसे ही होगा क्या, ये रहे यहाँ तक। अभी आपने ऐसा लिख दिया, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में आप यहाँ पर अपन करेंगे क्या, इसको अपन रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। सबसे पहले तो अपन इसका फोल्डर चेंज करते हैं, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर आगे आते हैं इस फोल्डर में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 12, गड़बड़ करी क्या अपन, अरे यार ये अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा जावा सी फाइनल वन डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। मैंने यहाँ पर एंटर किया, आप देखेंगे एरे एलिमेंट्स आर, और एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो गए, कोई दिक्कत। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लेकर आते हैं, ये तो आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे थे, अब आप वेरिएशन क्या लेकर आए, तो आपने यहाँ पे लगा दिया है क्या फाइनल। अब बताओ क्या आउटपुट मिलेगा, वेरिएबल एक है और एलिमेंट अलग है, तो क्या होगा, क्या वन मतलब, तो फिर एरर आएगी, सेम ही आएगा। एरर नहीं आएगा, चल जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करें इसको, अगर मैं चलाता हूँ, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, और अगर अपन इसको जब रन करने जाएंगे तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली रन होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर वो तो हमने फाइनल बनाया है, तो फाइनल बनाया तो फिर दिक्कत क्यों नहीं आई। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको फाइनल नहीं बनाते हो, अगर आपने फाइनल नहीं बनाया, तो अब इस केस में होगा क्या कि सबसे पहले तो ये ए आर आर आया, ए आर आर के अंदर से सबसे पहला एलिमेंट निकला, अब वो किसके अंदर गया, तो यहाँ पर एक इंट एलिमेंट। अब इंट एलिमेंट मतलब क्या होगा, तो इंट एलिमेंट मतलब आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि एक वेरिएबल अलोकेट हुआ, एक वेरिएबल अलोकेट हुआ, और उस वेरिएबल के अलोकेशन के बाद में उस पर एक वैल्यू सेट हो गई, है ना, वैल्यू सेट हो गई। वैल्यू सेट होने के बाद में क्या हुआ, अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपको देखना है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया है एलिमेंट, और एलिमेंट में आपने लिख दिया यहाँ पर 100, मतलब उस एलिमेंट में वैल्यू सेट हुई, आपने अंदर आकर उसके अंदर एक और वैल्यू सेट कर दी। आप यहाँ पर आए, यहाँ अगर आपने इसे कंपाइल किया, आपने इसको यहाँ पर रन किया, तो अब देखो सब में 100 100 हुई, आपने ही सेट करा है ना, हाँ है ना। अब आपने क्या बोला कि जब ए आर आर पहला एलिमेंट आया उसमें सेट हुआ, उसको आपने प्रिंट करवा दिया, अब उसमें क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो पुराना वेरिएबल तो कैसे चले जाएगा कि वो एक बार लूप चल गया तो वेरिएबल तो हट जाएगा, है ना, मतलब अभी पूरा मेमोरी से हटेगा नहीं, लेकिन हाँ वो साइड में हो जाएगा कि जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब उस केस में क्या हुआ, अब वापस से इंट एलिमेंट मतलब एक नई मेमोरी अलोकेट हुई है, उस पर नया एलिमेंट गया है, फिर वो पूरा चल जाएगा, वो साइड में हो जाएगा, फिर से नया चलेगा, चल जाएगा, फिर वो साइड में हो जाएगा। आपने जब फाइनल लगा दिया है, तो फाइनल से हुआ क्या, हर टाइम एक नई मेमोरी एलोकेट हो रही है ना, मतलब एक वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट हुई है, वो चला, वो साइड में हो गया, दूसरी बार जब आया तो फिर से एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है और नई मेमोरी एलोकेट हुई है, तो उसकी वजह से उसने दिक्कत नहीं दी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो फाइनल, तो अब इससे क्या हुआ कि जैसे ही वो एलिमेंट में आया उसको मेमोरी एलोकेट हुई, अब आपने यहाँ पे एलिमेंट के अंदर 100 लिखने की कोशिश करी है, तो वो तो अभी फाइनल वेरिएबल ही है ना, और फाइनल वेरिएबल है, तो अब वो यहाँ पर आपको क्या क्रिएट कर देगा, इशू क्रिएट कर देगा,
और अब अगर आप यहाँ पे इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हो तो आपको एरर दे देगा, वेरिएबल एलिमेंट माइट ऑलरेडी हैव बीन असाइंड। उधर पूछ लो, ऑफिस में पूछ लो। यहाँ तक समझ में आया क्या? इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक तो ये चीजें इम्प्लीमेंट हुई अपनी, राइट। तो इसका मतलब एक चीज से समझ में आई कि अगर आपने फाइनल बना दिया है तो अब उसके बाद में आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज जितनी बार एरे के एलिमेंट आ रहे हैं वो नई वेरिएबल को फाइनल असाइन कर रहा है। ठीक है, ये तो चल गया, कोई दिक्कत इसमें? अब फिर मैंने क्या कराया यहाँ पर, तो ध्यान से देखना है ना, मैंने यहाँ पर सेम इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया। मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है फाइनल, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, राइट। और अब मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया ए आर आर ऑफ 200, ए आर आर ऑफ 300। मतलब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने सिंपली एक एरे को फाइनल बनाया, और एरे को फाइनल बनाने के बाद में मैंने एरे 2 पर 200, एरे 3 पर 300 रखा, और अब मैं उसको सिंपली प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बताओ क्या आउटपुट मिलेगा? एरर आना चाहिए, एरर क्यों? एरर, हाँ तो एरर देगा वो। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि एरर देगा, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने जैसे इसे कंपाइल किया है ना, तो ये आपको अभी तो सक्सेसफुली कंपाइल कर दे देगा, सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि रन टाइम पर अगर मैं इसको रन करूँगा तो रन टाइम पर भी ये सक्सेसफुली चल जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इफ यू मेक एनी एरे एज अ फाइनल देन इन दैट केस यू कैन चेंज और मॉडिफाई द वैल्यू एट इट्स इंडेक्सिंग। अगर आपने किसी एरे को फाइनल बना दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस एरे के इंडेक्सिंग के ऊपर एलिमेंट को चेंज कर सकते हो जो आपको करना हो। बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया? ज्यादा सभी को क्लियर है? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा हम वापस से आते हैं यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इसको तो फाइनल बनाया, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा इंट ए आर आर 1। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू, मैंने लिखा है इंट, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया है ना, एरे एलिमेंट्स आर। अब मैं यहाँ पर अभी क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, एरे वन के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। किसको प्रिंट करवा रहा हूँ? एरे वन को। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, रन हुआ, प्रिंट हो गया। मैंने अब यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने की कोशिश करी, मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, सक्सेसफुली ये रन हो गया, एरे के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर है ना सिंपली ऐसा लिख दिया क्या कि ए आर आर 1 इक्वल्स टू ए आर आर, मैंने क्या लिख दिया है, ए आर आर 1 इक्वल्स टू ए आर आर। मतलब क्या कि ये ए आर आर है ना, ये ए आर आर है, ये कहीं ना कहीं अलोकेट हुआ होगा। मैंने क्या कर दिया, ए आर आर 1 के अंदर उस अलोकेशन को क्या कर दिया, यहाँ पर सेट कर दिया। क्लियर है, समझ में आया है ना? मतलब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने बोला कि यहाँ पर ए आर आर है, ARR इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ARR 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ARR को किसके अंदर सेट कर दिया, ARR वन में, और अब मैं यहाँ पर ARR वन को प्रिंट करवाऊंगा। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, स्ट्रीम को क्लियर किया, इसको मैंने रन किया, मतलब कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, रन किया तो रन हो गया। आप प्रिंट करवा रहे हो ARR वन को, प्रिंट कर रहा है वो ARR है ना। अब वहीं अगर अपन आते हैं, अब इसको कमेंट आउट करते हैं, और अब आप यहाँ पर आए ARR इक्वल्स टू ARR वन, और अब अगर आप इसको यहाँ पे चलाने की कोशिश करते हो तो आपको देगा एरर, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल ARR। इसका मतलब कि अगर एरे के केस में है ना आपने एरे को फाइनल बना दिया है, तो अब फिर उसके बाद में वो किसी अनादर है ना लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं करेगा। मतलब अगर आपने ये ARR को क्या बना दिया है, फाइनल बना दिया है, इफ यू मेक है ना एनी एरे है ना या द रेफरेंस ऑफ एरे एज अ फाइनल, एंड इन दैट केस इट डज नॉट पॉइंट आउट टू एनी अदर लोकेशन। कि अगर ये यहाँ पर फाइनल बना दिया और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पर ये एरे इस लोकेशन को रिफर नहीं करेगा। सेम नेम के तो वेरिएबल आप बना ही नहीं सकते हो ना एक फाइल के अंदर, अलग अलग टाइप के भी। मतलब कैसे जी नहीं लगाते पर ऐसा नहीं, तो इंट के बगैर भी नहीं कर सकते ना। हाँ 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 नहीं तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, फाइनल लगा दिया तो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन उसमें भी आपको लिखने का तरीका थोड़ा सा वैसा देखना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हो ना कि मैं यहाँ पर ARR वन करके ऐसा करके ऐसा करना चाहूँ, नहीं ऐसे ही बोलना चाह रहे हो ना, ऐसे ही बोलना चाह रहे हो ना कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे कि आपने ये ऐसा लिखा है, तो मैं भी आपको गड़बड़ करके देगा। देखो एक बार, तो उस केस में आपको फिर अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। नहीं उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट आपको हटाना पड़ेगा और आपको डायरेक्टली बस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। वो तो हट ही जाएंगे ना, क्योंकि आपने तो ये नई मेमोरी एलोकेट कर दी ना, नई मेमोरी एलोकेट करके आपने नया वो रख दिया ना। ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पर ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा एरर। क्यों एरर देगा, क्योंकि अगर आपने किसी एरे को एज अ फाइनल बना दिया है ना, तो वो फिर अनादर लोकेशन को रेफर नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये तो छोटी अपन ने ऐसा कुछ देखा। इसके अलावा एक और अगर कंसेप्ट अपन देखे इसी में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर लिखा है फाइनल टू, और फाइनल टू के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है इंट ए, और अब मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है फाइनल टू, मैंने लिखा है ओबीजे इक्वल्स टू न्यू फाइनल टू, मैंने ऐसा लिखा। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वैल्यू ऑफ ए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ओबीजे डॉट ए, मैंने क्या लिखा है न्यू फाइनल टू, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से मैंने ए की वैल्यू को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आकर अगर मैंने फाइनल टू लिखा, अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, हाँ गड़बड़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगाया, मेरे को प्लस लगाना था। ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, अपने यहाँ पर आए, मैंने इसको रन किया, तो वैल्यू ऑफ ए कितना आ गया, जीरो। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू तो आना ही थी, लेकिन अब आपने इसको क्या बना दिया एज अ फाइनल, तब क्या मिलेगा, हाँ वही आएगा। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने कंपाइल किया, वेरिएबल ए नॉट इनिशियलाइज इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने अभी आपको नोट में लिखवाया था लिखवाया था ना ये नोट के अंदर, डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट इनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल,
है ना, डिफॉल्ट कर सकता है इनिशियलाइज नहीं करेगा। हाँ तो चेंज आप कर ही नहीं सकते ना, वो तो फाइनल है, क्लियर है यहाँ तक। बट आप अगर मैं बात करूँ कि मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा ना, प्रिंट तो करवाना पड़ेगा, तो आप उसके समय क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फाइनल टू का कंस्ट्रक्टर मैंने ऐसा बनाया है ना, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगा, और अब उसके इसमें मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। और अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको चलाने की कोशिश करता हूँ तो सक्सेसफुली चलेगा, और अगर मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ तो प्रिंट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? यूजर से कैसे तो वो वैल्यू तो आपकी वन टाइम जाके सेट हो जाएगी ना, हाँ चलेगा सही, क्योंकि आप यहाँ पर आए, आपने लिखा यहाँ पर स्कैनर एसी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, आपने लिखा यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यहाँ आकर आपको लिखना क्या पड़ेगा, सिंपली नीड टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर एंटर वैल्यू, यहाँ पर आकर आप क्या करोगे एस सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने स्क्रीन को क्लियर किया, अगर इसे कंपाइल किया, रन किया, हाँ वन टाइम आ सकती है, सेकेंड टाइम आप करोगे तो दिक्कत देगा, ठीक है। जैसे अगर अपन ऐसा देखे, अगर मैंने यहाँ से फाइनल हटा दिया, और फाइनल हटाने के बाद मैं अब यहाँ से ए की वैल्यू गेट करके मैं इसमें कुछ भी वैल्यू सेट कर दूंगा, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कंपाइल किया, मैंने यहाँ पे इसको रन किया, मैं कुछ भी वैल्यू लिखूँ यहाँ पे, वो देगा तो मेरे को 33। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर क्या लगा दिया फाइनल, मतलब यहाँ पर आए जैसे कंपाइल किया, वेरी वेरी माइंड ऑलरेडी हैव बीन, तो मैं वन टाइम तो आप कर ही सकते हैं, क्लियर है यहाँ पर, इसमें किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसर्ट आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है। तो वहीं अगर अपन बात करें, जब अपन मेथड पढ़ेंगे, मेथड को ओवरराइड कर कर तो मैं आपको बताऊंगा है ना, तो वहाँ पर मैं ओवरराइड करते टाइम एक बार फाइनल लिखकर बता दूंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। जब अपन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक से ज्यादा क्लास बनाकर बताऊंगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके बताऊंगा, तो उस केस में पेरेंट क्लास को मैं फाइनल लिखकर बता दूंगा, और एक्सटेंड करके अपन ये देख लेंगे कि यहाँ पर ये आपको एरर दे रहा दे रहे तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, तो ये तो आपका फाइनल कीवर्ड का कंसेप्ट था, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आपके पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है आपके स्टैटिक वेरिएबल का, या आप बोल सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड का, है ना। अब अगर अपन बात करें कि अभी स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली होता क्या है, तो जैसा भी आपने देखा कि फाइनल आपके वेरिएबल के साथ में यूज में आता है ना, फाइनल आपके मेथड के साथ में यूज में आता है, फाइनल आपकी क्लास के साथ में यूज में आता है, वैसे ही स्टैटिक का भी कुछ इसी तरीके से वर्किंग रहता है ना। क्या और कैसे, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है स्टैटिक, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये वो सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होना चाहिए ना, ये सारे वो छोटे छोटे कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको धेस का कंसेप्ट बताया है ना, कि धेस का कंसेप्ट वो पांच छह तरीके से, छह तरीके से कैसे क्या यूज में आता है, फिर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग बताया है ना, फिर मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बताया है ना, फिर उसके बाद में मैंने अभी आपको फाइनल कीवर्ड बताया, अभी अपन फिर यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड देख रहे हैं, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना ही है ना, मैंडेटरी है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सारी चीजें, ये आपके टेलीफोनिक राउंड होते हैं, तो टेलीफोनिक राउंड में यही नॉर्मली पूछे जाती है, जिससे ये पता लगता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज है या फिर नहीं है, क्योंकि फोन पर तो डायरेक्टली आपसे प्रोग्राम बनवाएगा नहीं, लॉजिक पूछेगा नहीं, तो वो ऐसे ही पूछ लेगा कुछ, अगर उसको टेक्निकली राउंड लेना है बेसिक लेवल पे, तो वो पूछ लेगा कि क्या इफ आई मेक एनी क्लास एज अ फाइनल, देन इन दैट केस वेदर आई एम एबल टू एक्सटेंड दैट क्लास और नॉट, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, है ना। आप बोलोगे हाँ ना, जो भी रहेगा आपके आंसर पे, फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा,
ठीक है। तो ये इस टाइप से ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे बेसिक बेसिक में पूछ सकता है। तब अगर अपन बात करें स्टैटिक कीवर्ड की, तो स्टैटिक कीवर्ड के केस में आप क्या बोलोगे कि स्टैटिक को आप कैसे यूज कर सकते हो, एज अ ब्लॉक के तौर पे यूज कर सकते हो, स्टैटिक को आप एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हो, स्टैटिक को एज अ आप यहाँ पे है ना फंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हो, है ना, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, और स्टैटिक क्लास। ठीक है, आप क्लास के तौर पे इसको स्टैटिक को या यूज करोगे, आप फंक्शन के केस में आप इसको यूज कर सकते हो, वेरिएबल के केस में यूज कर सकते हो, और ब्लॉक के केस में आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब कैसे क्या यूज करोगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, अगर अपन इसको यूज करते हैं किसके केस में, ब्लॉक के केस में, ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक है ना विल कॉल बिफोर द मेन मेथड, है ना, स्टैटिक ब्लॉक विल कॉल बिफोर द मेन मेथड, है ना, मेन मेथड के पहले क्या होता है, कॉल होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा स्टैटिक ब्लॉक और कब चलता है, तो जब आपकी जो क्लास होगी जब वो फर्स्ट टाइम मेमोरी में क्या होगी, लोड होगी, है ना, तब भी वो स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक ही बार चलता है। स्टैटिक ब्लॉक वाला सिंपली ऐसा लिखोगे कि स्टैटिक कीवर्ड लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा सभी को समझ में आया? ले रहे यहाँ तक। अब फिर अगर मैं बात करें यहाँ पर इसके अलावा, तो स्टैटिक ब्लॉक के बारे में क्या आता है, वेरिएबल, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, स्टैटिक वेरिएबल कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज क्लास वेरिएबल, ठीक है, फिर इसके अलावा अपन क्या बोलोगे, सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज going to be create, है ना, सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज गोइंग टू बी क्रिएट, मतलब स्टैटिक वेरिएबल बोले तो क्लास वेरिएबल के सिर्फ एक सिंगल कॉपी ही क्या होती है, क्रिएट होती है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती है, ठीक है, फिर इफ वी मेक एनी वेरिएबल एज अ स्टैटिक, है ना, इफ वी मेक एनी वेरिएबल एज अ स्टैटिक then in that case we do not need to create the object, na, then in that case we do not need to create the object of a class to access that static variable, hai na, static variable is directly accessed by class name. Clear है यहाँ तक? है ना? If you make any variable as a static, अगर आपने किसी भी variable को क्या बना दिया है, as a static बना दिया है, है ना? Then in that case, we do not need to create the object of a class, है ना? To access that static variable is directly accessed by क्लास में, आप स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली क्लास के नाम से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके अलावा, तो उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर आता है आपके पास में फंक्शन, फंक्शन की केस में आप क्या बोलोगे, हाँ कर सकते हो ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे, क्लास वेरिएबल आप इसको बोल सकते हो, है ना, जैसे पहले देखा था ना, मैंने जब आपको जेवीएम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्लास एरिया होता है, क्लास वेरिएबल और क्लास के फंक्शन आते हैं, मतलब स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन, है ना, तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि स्टैटिक फंक्शन, दोनों को मिलेंगे, नहीं दो थोड़ी मिलेंगे, वो एक ही रहेगा, मेमोरी वन टाइम ही एलोकेट होगी,
हाँ वही की मेमोरी दोनों शेयर करेंगे दोनों से ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज क्लास फंक्शन सिंगल कॉपी ऑफ या ऐसा बोलोगे कि अब ये तो वैसे भी फंक्शन को तो एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है आपके है ना। इफ यू मेक एनी फंक्शन एज अ स्टैटिक देन इन दैट केस वी नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टू एक्सेस दैट या टू कॉल दैट स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन इज डायरेक्टली है ना एक्सेस बाय क्लास ने। आप क्या बोलोगे इफ यू मेक एनी फंक्शन एज अ स्टैटिक अगर आपने किसी फंक्शन को क्या बना दिया एज अ स्टैटिक बना दिया है देन इन दैट केस वी डू नॉट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टू कॉल दैट स्टैटिक फंक्शन। आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है उस स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए। स्टैटिक फंक्शन इज डायरेक्टली एक्सेस बाय क्लास ने। स्टैटिक फंक्शन डायरेक्टली क्या हो जाएगा क्लास के नाम से एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा स्टैटिक फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। स्टैटिक फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड है ना जो स्टैटिक फंक्शंस होंगे उसको आप ओवरलोड कर सकते हो है ना बट कांट बी ओवरलोडेड। हाँ आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरलोड कर सकते हो लेकिन ओवरराइड। फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा क्या बचता है तो फिर इसके अलावा बचता है आपके पास में क्लास ठीक है। यहाँ पर वी कैन ऑल्सो क्रिएट स्टैटिक क्लास ठीक है। और इसका कंसेप्ट अपन कहाँ देखेंगे जब अपन नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट पढ़ेंगे ठीक है। स्टैटिक नेस्टेड क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास ठीक है। जब आप नेस्टेड क्लास पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको ये क्लास के बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया ठीक है। एक बार फटाफट इसको रीड आउट कर लो इसमें किसी को कोई दिक्कत है कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। देखिए यहाँ तक देखिए ऐसा एग्जांपल ठीक है। अपन चलते हैं यहाँ पर कैसे क्या कंसेप्ट इसका इंप्लीमेंट होगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर स्टैटिक वन डॉट स्टैटिक वन है ना। और यहाँ पर आते हैं यहाँ पर उसको सेव करेंगे किससे जावा से ठीक है। अपन यहाँ पर आए अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या तो मैंने लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने लिखा स्टेटमेंट वन राइट। मैंने इसे कॉपी कर दिया कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट टू मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है स्टैटिक मैंने इसको पेस्ट किया ठीक। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे स्टैटिक वन स्टैटिक टू और स्टैटिक स्टैटिक वन स्टैटिक टू मतलब स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री।
अब अगर अपन बात करें कि जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि यहाँ पर स्टैटिक कब चलता है, मेन मेथड के पहले चलता है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो इस केस में आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए 1 3 2 होना चाहिए। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन ने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है स्टैटिक 1, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अपन यहाँ पर इसको रन करेंगे, जब आप इसको रन करने गए आप देखोगे यहाँ पर क्या मिला है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 2, जो क्योंकि मेन मेथड बाद में चलेगी, स्टैटिक ब्लॉक पहले चलेंगे, पहले आपके स्टैटिक ब्लॉक चले हैं तो जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 आया, स्टेटमेंट 3 आया और फिर उसके बाद में स्टेटमेंट 2 हुआ। एन नंबर ऑफ स्टैटिक ब्लॉक्स आप बना सकते हैं। ये लेके आया था, हाँ तो समझ में आया, ठीक है फिर से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने लिखा स्टैटिक 2 है ना, इधर देखना यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा क्या स्टैटिक 2, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है क्लास स्टूडेंट, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने लिखा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, अपन ने इसको हटा दिया, अपन ने इसको हटा दिया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट में मैंने क्या कितना लिखा ओबीजे इक्वल्स में लिखा है न्यू, मैंने क्या लिखा यहाँ पर स्टूडेंट, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है मैंने स्टूडेंट ओबीजे लिखा, मैंने यहाँ पर ओबीजे 1 कर दिया, मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या करा स्टैटिक 2 को कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने उसको रन किया, मुझे क्या मिला स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट्स लिखा हुआ मिल गया। मैं आता हूँ वापस से यहाँ पर, मैंने क्या करा इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने यहाँ पर आगे क्या कर दिया, मैंने कर दिया 1 2 और मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, यहाँ पर आया मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने यहाँ पर आकर इसको रन करने की कोशिश करी, जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देखो क्या हुआ, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट, मतलब क्या कि जब क्लास फर्स्ट टाइम लोड होगी तभी वो स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, उसके बार बार नहीं चलेगा, मतलब जब फर्स्ट टाइम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना था वो क्लास वहाँ पे लोड हुई है ना, इनिशियलाइज हुई है ना, मतलब क्या होती है क्लास वहाँ पे लोड होगी है ना, मतलब क्लास आपकी लोड कैसे होगी, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ही क्लास लोड होती है ना, तो वो इनिशियलाइज होती है, इनिशियलाइज होती है मतलब जो भी डेटा मेम्बर वगैरह है उसको मेमोरी वगैरह अलोकेट होती है, मतलब क्लास ये इनिशियलाइज होती है ना, तो अब उस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो मतलब लोड होने के बाद में तो इनिशियलाइज होती है, जैसे मेरे पास में मेमोरी अलोकेट हुई कि हाँ ये क्लास अब लोड हुई है, लोड होने के बाद में आप इसको क्या करना है, आपको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। अब उस केस में आप क्या बोलोगे कि जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बना वैसे ही वो क्लास क्या होगी वहाँ पे लोड होगी, और लोड होने के बाद में जैसे ही यहाँ पर क्या होगा ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वो उसको क्या कर देगा, इनिशियलाइज करेगा, समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या देख रखा है कि यहाँ पर ही आपको ऑब्जेक्ट देके रखा हुआ है, या इन शॉर्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जब आप यहाँ पे किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो, या जब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो है ना, तो वो क्या करेगा क्लास को इनिशियलाइज करेगा है ना, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो आपने पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द क्लास है ना, वो क्लास को क्या करता है कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है बाय इनिशियलाइजिंग डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो क्लास को क्या करेगा इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। तो वैसे उस केस में क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक एक बार तो चल गया, लेकिन उसके बाद में जब जितनी बार आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे तो स्टैटिक ब्लॉक बार बार आपका नहीं चलेगा। हाँ, फिर अगर ऑब्जेक्ट वगैरह आपने बनाया तो वो तो मतलब मेथड वगैरह कुछ कॉलिंग वगैरह करिए जो भी करा है तो वो तो चल रहा है, इसलिए क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, इसमें किसी कोई डाउट। फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो ये तो मैंने आपको क्या स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बताया, ठीक है। अब स्टैटिक ब्लॉक के अलावा अगर मैं बात करें आप क्या, तो अब स्टैटिक ब्लॉक के अलावा फिर आता है आपके पास में स्टैटिक डेटा मेंबर है ना, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब अगर मैं बात करें ये स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन बेसिकली होता क्या है ना, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि जैसे अगर अपन यहाँ पर देखें, मैं पेंट पर आया, अब मैंने यहाँ पर क्या बोला है कि मेरे पास में एक स्टूडेंट है, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड ना,
है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जैसे मेरे पास में क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे के रखा हुआ है, राइट, है ना। अब मैंने बोला कि मेरे पास में एक स्टूडेंट है, अब इस स्टूडेंट के पास में क्या है, यहाँ पे रोल नंबर है, उसका नेम है, और नेम के साथ में मैंने क्या बोल दिया, उसका कॉलेज का नेम, मतलब उसका खुद का नाम और कॉलेज नेम, राइट। तो इसको मेमोरी एलोकेट होगी, इसको मेमोरी एलोकेट होगी, और इसको भी मेमोरी एलोकेट होगी। सिमिलरली मैंने बोला कि अब ये तो मेरे पास में क्या था, एक स्टूडेंट था, मैंने बोला मेरे पास में एक और स्टूडेंट आया। अब एक और स्टूडेंट के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे एक और स्टूडेंट के केस में इसको भी रोल नंबर मिलेगा, मेमोरी एलोकेट हुई, नेम मिलेगा, इसको भी मेमोरी एलोकेट हुई, कॉलेज नेम अगर सेम कॉलेज में है तो इसको भी मेमोरी एलोकेट होगी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर ये जो कॉलेज नेम वाला जो ब्लॉक है, कॉलेज नेम में इसका भी वही नाम आएगा और इसका भी क्या होगा, वही नाम आएगा। तो अननेसेसरीली दो ब्लॉक एलोकेट हो रहे हैं, ऐसे अगर 100 स्टूडेंट आ गए तो 100 ब्लॉक एलोकेट होंगे। तो क्यों ना अपने काम करते हैं, यहाँ पर ये रोल नंबर जो है, तो ये रोल नंबर इस स्टूडेंट वन का है ना, S1 का है, यहाँ पर, यहाँ पर S2 का रोल नंबर होगा, S3 का रोल नंबर होगा, ठीक है, वो बात मानी। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या होगा, नेम, तो नेम की अगर अपन बात करें तो नेम के केस में S1 का नेम होगा, S2 का नेम होगा, S3 का नेम होगा, वो बात भी मानी। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या कॉलेज के नेम की, अगर अपन कॉलेज के नेम की अगर बात करें तो कॉलेज के नेम के केस में मैं क्या करूंगा, एक ही ब्लॉक यहाँ पर क्या कर दूंगा, अलोकेट कर दूंगा। और अब उस केस में क्या होगा, एक ही ब्लॉक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबको शेयरेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जितने भी ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये क्या कंसिडर होंगे आपके, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। और यहाँ पर ये जो वेरिएबल कंसिडर होगा, ये क्या कंसिडर होगा आपका, क्लास वेरिएबल, है ना, ये क्या कंसिडर होगा आपका, क्लास वेरिएबल, ठीक। इसको मल्टीपल कॉपीज एलोकेट होगी यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे क्या होगी, सिंगल कॉपी एलोकेट होगी यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। अब इस केस में आप करोगे क्या यहाँ पर, तो अब इस केस में यहाँ पे इसको आप क्या बना दोगे, स्टैटिक बना दोगे, और ऊपर वाले को आप क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना दोगे, क्लियर। अब क्या और कैसे, तो वो अपन देखिए, अगर यहाँ पर तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या किया, इसे सेव एस किया, सेव एस करके मैंने करा Static 3। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने स्टूडेंट ही लिखा रहने दिया, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसको 3 कर दिया। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा इंट रोल नंबर, रोल नंबर में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर लिखा मैंने, यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, नेम। और फाइनली फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्टैटिक, और स्टैटिक में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, कॉलेज नेम, ठीक है। और कॉलेज नेम भी केस में अभी मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर ही खुद से वैल्यू सेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, तो मैंने सेट कर दिया यहाँ पर क्या, PQR कॉलेज इंदौर, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर OBJ1 लिखा, OBJ2 लिखा, OBJ3 लिखा। अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपन। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंपली अपना, या फिर एक काम करो आप, इसको भी ऐसा कर लो, जो रोल नंबर है उसको भी आप यहाँ पे क्या लिख दो, स्ट्रिंग में लिख दो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, तो आपने यहाँ पे लिखा क्या, रोल नंबर, तो रोल नंबर में आप क्या लिखोगे, STUD, आपने लिख दिया 100, है ना, 23, है ना, और आपने लिख दिया PQ, ये आपने रोल नंबर लिख दिया। और नेम की अगर अपन बात करें, तो नेम के केस में आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, एंड्रयू एंडरसन, राइट। सिमिलरली क्या क्यों प्लस क्यों आएगा, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपन ने इसको पेस्ट किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, 24, यहाँ पर कर दिया 25। यहाँ पर आकर आप क्या कर दोगे, पीटर पार्कर, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आप कर दोगे जैक्सन जैक, राइट। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप करोगे क्या, आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट, स्टूडेंट में आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो आप लिखोगे स्ट्रिंग, आप यहाँ पे लिखोगे रोल नंबर, आप क्या लिखोगे स्ट्रिंग, आप क्या लिखोगे यहाँ पर नेम। यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, दिस डॉट RNO इक्वल्स टू RNO, आप क्या लिखोगे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, इसमें कोई दिक्कत, ये तो आपने सेट कर दिया। उसके बाद में आप क्या करोगे, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले के अंदर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट क्या आउट
डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एन एन, और प्रिंट एन एन में आप क्या कर दोगे यहाँ पे आप लिखोगे यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आकर प्लस क्या कर दोगे आप रोल नंबर, यहाँ पर आप कॉपी करोगे, कॉपी करके आप क्या करोगे पेस्ट, यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे नेम, और यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे नेम, और ऊपर क्या लिखा है आपने रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है डिटेल्स, ठीक है, ऐसा लिख दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, अब इसके बाद में आपको उसको कॉल करना पड़ेगा ना, आप क्या लिखोगे ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले, अब यहाँ पे क्या लिखोगे ओबीजे टू डॉट डिस्प्ले, ओबीजे थ्री डॉट डिस्प्ले दिया ना ऊपर, आपने उसको स्टैटिक बना दिया ना, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, ठीक है, और इसके पहले अब आप यहाँ पे क्या लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है डिटेल्स, ठीक है। आपने इसको सेव किया, सेव करके अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है स्टैटिक थ्री, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आपने क्या करा इसको रन किया, आप देखोगे डिटेल्स रोल नंबर नेम कॉलेज नेम, रोल नंबर नेम कॉलेज नेम, रोल नंबर नेम और कॉलेज, अभी वहां पर आपने उसको स्टैटिक कर दिया है, आप उसकी वैल्यू को यूजर से भी गेट कर सकते, क्लियर है यहाँ तक क्या? हाँ तो अब मल्टीपल कॉपीज मिलेगी ना, यूं आपने ऐसे स्ट्रेटेजी लिखा तो सिंगल कॉपी एलोकेट हुई है, और अगर आप वहां से हटा देते हो तो फिर आपको हर एक ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में सेट करना पड़ेगा, है ना, या हर एक ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में अगर आप सेट नहीं भी करते हो तो हर एक ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में उसको मेमोरी एलोकेट हो ही जाएगी, तो वो तीन ऑब्जेक्ट तीन ब्लॉक बनाएगा और तीन ब्लॉक के अंदर सेम कॉलेज का नाम रखेगा, ये उसने सिर्फ सिंगल ब्लॉक के अंदर ही कॉलेज का नाम रखा, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें थोड़े से और वेरिएशन है ना स्टैटिक डेटा मेंबर पे और स्टैटिक फंक्शन पर भी, और इसी एग्जांपल को यूजर से वैल्यू गेट करके अपन कैसे बनाएंगे तो वो भी, है ना, तो वो कंसेप्ट अपन देखते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।